सो गाइस टिकटॉक पे आ गया एक और नया जबरदस्त VFX, उसी का एडिटिंग को मैं लेकर आ गया हूँ ट्यूटोरियल को लेकर। सो गाइस मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो को आप देख रहे हो टिकटॉक पे अभी धमाल मचाया हुआ है। जैसे ही टिकटॉक पे आया बस यार घंटों में इस पे लाखों में व्यूज आ गए, लाइक्स आ गए। सो इस वीडियो को आपको बनाना चाहिए क्योंकि ये एकदम नया है और जैसे ही आप बना के अपने आईडी पे अपलोड करोगे ये वायरल होना स्टार्ट हो जाएगा और इससे आपको बहुत सारे फैंस लाइक्स मिल सकते हैं गाइस। सो इस वीडियो को मिस मत करना और मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो बनाना बिल्कुल आसान है। तो चलो सीधे मैं आपको पॉइंट की बात करता हूं कि इस वीडियो को बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज की जरूरत होगी। तो सबसे पहले आपको एक वीडियो शूट करना है ग्रीन पर्दे के ऊपर, आपके पास एक ग्रीन कपड़ा होना चाहिए, कुछ इस तरह से दीवार में सेट कर दोगे और उसके सामने में जाके आपको सिंपली नीचे की तरफ जो है जंप करना है। उसके बाद कुछ इस तरह से एक्टिंग करना है, लगना चाहिए कि आप किसी चीज को उठा के और खड़े हो रहे हो कंधे पे और इस तरह से इधर उधर देखना है थोड़ा सा। इस तरह से एक वीडियो जैसे शूट कर लोगे, आपको दो फुटेज चाहिए, एक लड़की वाला फुटेज एक अर्थ जूमिंग का, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आपको और दो फोटो चाहिए, एक लड़की का बैकग्राउंड का फोटो और एक जो है लड़की का PNG फोटो, वो भी दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर लेना। और एक आपको साउंड चाहिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब यहाँ पे कुछ लोग जो है थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिस्क्रिप्शन किसे कहते हैं, तो देखो आप जो वीडियो देख रहे हो तो वीडियो के नीचे एक एरो है छोटा सा, इस एरो पे क्लिक करोगे तो आपको वीडियो के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ मिलेगा जहाँ पे कि लिंक भी शो होगा, तो उसी को हम डिस्क्रिप्शन कहते हैं। उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे आप डाउनलोड कर लोगे। जैसे ही सारा का सारा चीज़ डाउनलोड कर लेते हो, वीडियो शूट कर लेते हो, आपको सिंपली चलना है काइन मास्टर पर, वीडियो की एडिटिंग को स्टार्ट करना है। तो चलिए काइन मास्टर पे चलते हैं। काइन मास्टर पे क्लिक करते ही आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ से 9:16 का रेशियो लेना है मिडिल वाला और यहाँ पे आपको मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर लड़की का फुटेज लेना है सबसे पहले, तो यहाँ पे हम लड़की का फुटेज ले लिए। फिर आपको जो है बैकग्राउंड लेना है, तो यहाँ पे हम बैकग्राउंड को ले लिए। फिर गाइज यहाँ पे आपको जो है अर्थ जूमिंग का जो फुटेज है उसे लेना है। ये तीन चीज जैसे ही ले लोगे ओके कर देना। फिर यहाँ पे आपको जो आपको आना है 4.4 पे, देखो 4.4 पे हम आए। फिर इस वाले बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, कैंची पे क्लिक करना है और ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट कर देना, क्योंकि इस राइट साइड से मेरा बैकग्राउंड का कोई काम नहीं, तो कर दिया। अब यहाँ पे देखो ये थोड़ा फ्लैक्चुएट हो रहा है, आगे पीछे कर रहा है, तो इसे रोकना है। तो उसके लिए इस पे क्लिक करो, इस क्रोपिंग पे क्लिक करो और स्क्रीन पे डबल हैंड को ऐसे कर दो, ऐसे दो बार, ठीक है। उसके बाद ये जो इक्वल है इस पे क्लिक कर दो, ओके। अब देखो ये फ्लैक्चुएट नहीं हो रहा है। अब गाइज इस वीडियो के लास्ट पोजीशन पे आपको आना है करीब यहाँ पे और लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना और लड़की का जो एक PNG फोटो है उसे लेना है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं और इसे इस तरह से करीब थोड़ा बड़ा कर देना है, मतलब इसके बराबर, देख सकते हो ऐसे करोगे, इसके बराबर आपको करीब कर देना है ऐसे, तो ये लगभग एडजस्ट हो चुका है। अब इस फोटो को आपको करीब यहाँ तक कर देना है, यानी कि 12 तक आपको कर देना है, यहाँ देख सकते हो टाइमिंग, यहाँ 12 तक आपको करना है। फिर आपको यहाँ पे 2.1 पे आना है, टाइमिंग को देख सकते हो 2.1 पे, और लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना और अपना वाला वीडियो को लेना है जिसे आपने ग्रीन स्क्रीन पे शूट किया होगा। तो यहाँ पे हम उस वीडियो को ले लेते हैं और इस वीडियो पे एक बार क्लिक करो, नीचे एक क्रोमा की का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करके इसे इनेबल कर दो और आपको थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट करना है ताकि इसका जो ग्रीन टाइप का बैकग्राउंड नज़र आता है वो पूरा तरह से हट जाए। तो कुछ इस तरह से हम देखो एडजस्ट कर दिए। अब इसे आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है कि जिस जगह पे आप बैठते हो तो उस टाइम आपका हाथ जो है इसके कमर के पास जाना चाहिए ऐसे, तो इसे उठा के और यहाँ पे कर दो इस पोजीशन पे। अब दो हाथ से आपको जो है इसे थोड़ा लेयर को ऐसे बड़ा करना है इस तरह से ताकि एडिटिंग करने में आसानी हो, इतना करीब बड़ा कर लोगे। उसके बाद गाइज आपको आगे की तरफ जाना है और जहाँ पे आप बैठते हो जैसे जैसे देखो यहाँ पे हाथ आपने ऐसे उठाया इस पोजीशन पे। उसके बाद ये लड़की वाला जो फोटो है इस पे क्लिक करना और ये चाबी पे क्लिक कर देना और प्लस करना। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ना है हाथ जैसे ही थोड़ा सा उठता है, फिर प्लस करना और इसे ऐसे करके ऐसे थोड़ा सा छोटा करके और इसे कर देना ऐसे तिरछा ऐसे, ठीक है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ोगे जैसे ही थोड़ा हाथ ऊपर उठा, फिर से उठा के इसे थोड़ा ऊपर कर दो और ऐसे कर दो, थोड़ा सा और तिरछा कर दो, ठीक है। फिर आगे की तरफ जाएगा थोड़ा सा, फिर ऐसे प्लस करो और पूरा का पूरा इसे ऐसे घुमा दो। फिर थोड़ा आगे की तरफ जाओ, फिर प्लस करो और जैसे जैसे ये उठेगा वैसे वैसे आपको प्लस करके लड़की का फ़ोटो भी उठाना है। जैसे ये उठ रहा है फिर प्लस किए फिर उठा दिए इसे, फिर आगे की तरफ जैसे ये उठा फिर प्लस किए फिर उठा दिए, फिर आगे की तरफ गए फिर प्लस किए फिर उठा दिए, फिर आगे की तरफ गए फिर प्लस, फिर इस तरह से आपको जैसे जैसे वो
ऊपर की तरफ खड़ा हो रहा है उस तरह से आपको प्लस करके और लड़की का फोटो को भी ऊपर की तरफ उठाना है ऐसे। यहाँ पे जैसे ही हो जाता है फिर यहाँ पे एक बार जो है प्लस कर दो। अब गाइज आगे की तरफ जाना है यहाँ पे जहाँ से कि हमारा अर्थ जूमिंग का सीन आ रहा है, तो यहाँ पे आपको एक बार प्लस करना है और इस बार जो है अपने वाले वीडियो पे भी क्लिक करना है ग्रीन स्क्रीन वाले पे सेम पोजीशन पे। जैसे यहाँ पे हमने एक डॉट लगाया तो इस पे भी क्लिक करो, फिर चाबी पे क्लिक करके एक डॉट लगाओ, फिर थोड़ा सा आगे जाके फिर एक डॉट लगा के और इसे खींच दो करीब इस पोजीशन पे, ठीक है। फिर लड़की वाले पे भी इसी पोजीशन पे एक बार डॉट लगाना है ऐसे और इसे एक बार कर देना है ऐसे नीचे, ओके। अब गाइज आगे की तरफ जाएगा फिर प्लस करो, फिर लड़की वाले पे एक बार चाबी लगाओ और थोड़ा सा आगे की तरफ करो ताकि ऐसा लगना चाहिए कि हिल डुल रही है ये, तभी तो पता चलेगा कि आप हवा में उड़ रहे हो। फिर ऐसे करके आगे की तरफ चले जाना है प्लस करके और लड़की को थोड़ा सा ऐसे हिलाते डुलाते रहना है ऐसे आगे जाके। अब देखो इस पोजीशन पे क्या होगा कि ये नीचे की तरफ इसे फेंकेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको एक चीज़ करना है, थोड़ा सा आगे जाना है, फिर जैसे ये फेंकने वाला रहता है प्लस कर दो, फिर थोड़ा सा यहाँ पे देखो जैसे ही फेंक रहा है फिर से प्लस करो और इस बार इसे थोड़ा सा छोटा करो और इसे ऐसे घुमा दो, फिर यहाँ पे प्लस करो एक बार, फिर थोड़ा सा नीचे लाओ और एक बार और प्लस करके पूरा का पूरा इसे ऐसे नीचे कर दो और ओके। और इस तरह से आपका वीडियो जो है रेडी हो चुका है। अब क्या करना है कि इसके शुरू वाले पॉइंट पे आपको आना है, यहाँ पे आपको ऑडियो लगाना है, तो ऑडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उसे डाउनलोड कर लेना। तो ऑडियो पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम जो है उस ऑडियो को लगा लेते हैं। यहाँ पे ऑडियो पे क्लिक करके प्लस कर दोगे, ऑडियो इसके नीचे लग जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो ऑडियो लग चुका है। अब गाइस फिर से इसे दो हाथ से ऐसे थोड़ा छोटा कर लेना है ऐसे, और यहाँ पे इस वाले पे क्लिक करना है आपको गियर पे और इसे ऑडियो फैड आउट को ऑफ कर देना है और ओके। अब देखो वीडियो प्ले करोगे तो कुछ इस तरह से आपको जो दिखाई देगा, कुछ ऐसा ये वीडियो बना है। देखो यहाँ आया, कमर पे उठाया ऐसे और ऊपर की तरफ लेके उड़ने लगा, तो कुछ इस तरह से ये इफेक्ट बनता है, काफ़ी धमाल लगता है देखने में। तो इस तरह से आपका जैसे ही वीडियो कंप्लीट हो जाता है आपको जो है इस शेयर वाले आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ से 720p 30 सेलेक्ट करके यहाँ से कर लेना है एक्सपोर्ट। ये गाइस जैसे ही एक्सपोर्ट हो जाता है, मैंने एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है इस वीडियो का, इस वीडियो पे जाना, इसके नीचे एक साउंड है, साउंड पे क्लिक करना, फिर यूज़ दिस साउंड करके वीडियो को इसी साउंड पे आपको अपलोड करना है और एक साउंड है उस पे भी अपलोड करना है, यानी कि एक वीडियो को दो बार आपको अपलोड करना है, एक तो मेरे वाले साउंड पे करना है और एक इसका जो प्रीवियस साउंड है उस पे करना है। तो दोनों साउंड पे अगर आप अपलोड करोगे तो एक न एक वीडियो जरूर वायरल हो जाएगा। सो गाइस ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको एडिटिंग समझ में आ गया होगा, जरा सा भी एडिटिंग अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, हमें कमेंट में जरूर बताइए क्योंकि आपका जो कमेंट होता है ना उसे पढ़कर एनर्जी मिलती है यार, और भी बहुत सारे ट्यूटोरियल लाने का मन करता है, तो आप लोग कमेंट लाइक जरूर करना, इससे यार मुझे थोड़ा मोटिवेट मिले ताकि मैं और भी नए नए तरह के VFX की ट्यूटोरियल लेकर आता रहूं। सो गाइस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो करके जाना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो मिलते हैं इस तरह के और किसी इंटरेस्टिंग एंड नए VFX की एडिटिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।